सबसे पहले तो गाना गलत है, अब उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा पब्लिसिटी पाने की कोशिश किया, टीआरपी पाने की कोशिश किया, टुनटुन उधर से मौगहिया जानवर जो है वो लोग पब्लिक हमारे समाज की बेटी को इस तरीके से अपमानित करने का जिसने भी साहस किया उसका पुरखा जिता रहेगा। समाज के बारे में सोचिएगा तो संतोष रुने यादव की तरह दहाड़ते रहिएगा, क्योंकि समाज हमारा कमजोर नहीं है, समाज हमारा मजबूत है, बस समाज पे आप विश्वास कीजिए। तो जड़ मैं आपको बता दूं, ये सारा किया कराया विवेक सिंह का है, सारा किया कराया विवेक सिंह ही ऐसा गाना गवाता है और यादव समाज को परेशान करता रहता है। खेसारी जी को समझ में नहीं आता है और खेसारी जी जहिया समझेंगे तब तक बहुत लेट हो चुकेगा। समाज को मानते हैं, मतलब ये जो हम अभी प्रश्न उठाए, क्या मानते हैं कि आपने अश्लीलता को भी बढ़ावा दिया है? कहा हमने अश्लीलता को, तो ढोल चटना वाला गाना पे शायद आप चंदन चंचल को बढ़ावा तो दिया था। एक चीज, चंदन चंचल को मैंने इस मामले में मैंने बढ़ावा नहीं दिया, हमने मैंने आप कहीं पे बताइए कि ढोड़ी चटना गाना का मैंने सपोर्ट किया है कहीं? सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो पीके आर्यन थे, हाँ, मानवता के तौर पे, मानवता के तौर पे हमारे सुप्रीम कोर्ट में अफजल कसाब साहब भी जब जेल में थे तो अफजल कसाब को भी जिंदा रखने के लिए प्रतिदिन लाखों लाख रुपए खर्च किए जा रहे थे। ये हमारे संविधान में निहित है और हमारे जो संविधान है, जो लिखने वाले आदरणीय युग पुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भी बातें लिखी है उन्होंने, उन चीजों में भावनाओं का भी यूज किया गया है। और कभी भी हम तो जिस संस्कार में, जिस हम लोग देश में, जिस मिट्टी में हम लोग रहते हैं, उस मिट्टी में ऐसी बातें कही गई है, ऐसी बातें उस मिट्टी में सनी हुई है कि हम लोग अपने दुश्मन से भी मित्र की तरह व्यवहार करते हैं 99 बार। ये आप देखिए, जा करके भागवत गीता उठा करके देखिए, कृष्ण लीला उठा करके देखिए, शिशुपाल को 99 बार माधव जी माफ किए थे, 100वें बार में उन्होंने वार किया था उसका। तो हम लोग तो प्रेम के भाई पुजारी हैं, हमारा देश प्रेम का पुजारी है, प्रेम को बढ़ावा देता है। तो उस समय पी के आर्यन जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तो पहले हमारा काम था उस व्यक्ति को बचाना, तो इसलिए मैंने किया था। मैं कभी अश्लीलता को सपोर्ट नहीं करता हूँ। कहीं ना कहीं आप भी एक अच्छे सिंगर भी हैं और कहीं ना कहीं मतलब अहिरान स्टार कहे जाने वाले आप भी हैं, और मगहिया से लेकर के मतलब कहा जाए तो मगही भी गाना गाते हैं और आप भोजपुरी की भी गाना गाते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस परिवार से बिलोंग करते थे जो शायद एक छपरी वाला घर था, और उसमें कहीं ना कहीं बारिश के मौसम में छपरी के घर में पानी टपक रहा था और साइड में बैठ करके आप लोग रहा करते थे, शायद ये बात आपने बताया भी है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आज वही पंकज सिंह राजपूत उस बात को क्यों नहीं समझ रहा, वो जल्द ही स्टार बनना चाहता है? देखिए, जो हमारी जो जिंदगी है वो पब्लिकली है, हम कभी भी कोई भी चीज नहीं छुपाते हैं, जो है सो है, जो सच्चाई है सो है। हमने वहां से उस गरीबी से उस जिंदगी को मैंने जीना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया और आज हम यहाँ तक हैं, पब्लिक के आशीर्वाद के बदौलत, आप लोगों के स्नेह के बदौलत। आज संतोष रेणु ऑफिशियल पे कल ये गाना रिलीज हुआ है ललटेन के अजोरा में, वो गाना काफी अच्छा चल भी रहा है। इसके पहले जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, संतोष रेणु ऑफिशियल पे ही आया। आज के डेट में सब कुछ करते हुए भर में भी सोशल वर्क हम कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम उस जिंदगी को जानते हैं कि गरीबों की जिंदगी क्या होती है, और हम उसको अंदर से महसूस करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो कष्ट हमने झेला वो हमारे और लोग नहीं झेले, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। लेकिन अब ये जो लोग जो है, ये लोग अपनी स्टारडम का जो एम्बिशन है, जो मंजिल है, उसको शॉर्टकट तरीके से अपनाने के चक्कर में लगे हैं। तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना, शॉर्टकट तरीके से जाइएगा। अब जो मान लीजिए सरकार जो रोड बनाई है, तो रोड बनाई है तो कुछ सोच समझ करके बनाई है ना। अब शॉर्टकट तरीके से आप जाइएगा तो हो सकता है कि उधर सांप भी मिल जाएगा, शेर भी मिल जाएगा, भालू भी मिल जाएगा, आपको खा भी सकता है। तो यही चीज हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो खेसारी लाल यादव कहीं आपको लिखित देते हैं तो कदम क्या रहेगा, कौन सा लीगल एक्शन आप उठाएंगे? खेसारी लाल यादव जी अगर लिखित देते हैं यदुवंशी सेना को,
तो उसके बाद जो कदम उठेगा वो न तो कभी भूतकाल में हुआ होगा और ना भविष्य में ऐसा कभी हो सकता है, या किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, कोई भी हो। हमारे समाज की बेटी को इस तरीके से अपमानित करने का जिसने भी साहस किया उसका पुरखा चेंज कर देंगे। क्या लग रहा है कि कभी आप इस बात को सोचे हैं संदेश रोनी जी की, अगर कभी ऐसा मौका मिल जाए, कभी आप भी इसी स्तर पे हैं, कभी आपके बहन बेटी के साथ भी हो सकता है ये गाना, मतलब ऐसे जो गाया आप पंकज सिंह राजपूत, कभी भी भविष्य में अगर ऐसा गाना गा दे तो फिर क्या हो सकता है? पहले गाए तो उकर बाद ना पता चला क्या हो सकता है। पहले गा तो दे, हम तो चाहते हैं कोई छेड़ तो दे हमरा, उकरा बाद ना पता चलेगा कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा यादव जी के बेटी सपनवा में आती है, गा दिया था कल्लू, उकरा घुटना पला दिए थे ना, है यही सब टुनटुन के चलते, अनुपमा के चलते वो झगड़ा हुआ था, जिसके लिए हमको बोला गया कि औरंगाबाद आके दिखाओ। औरंगाबाद के तमाम और देश के तमाम यदुवंशियों को और अपने चाहने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने उस संघर्ष के दौर में मेरा साथ नहीं छोड़ा। औरंगाबाद पहुंचे और दहाड़े पूरे समाज के साथ मिल करके कहां दुबक गया, है ना, जेल भी गए, 1 महीना 26 दिन जेल में मैं रहा। क्या मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान कम हो गया? बल्कि बढ़ गया समाज के सामने, समाज के लोग मुझे और मोहब्बत देने लगे। तो ये लोग क्यों नहीं करते है? ये लोग डिम्पलवा सिंपलवा गाता है, उधर से गाली सुनवाता है, ये नू करता है वो नू करता है, काहे नहीं जाके चढ़ के दुम दो ना, क्या करते हो? सिर्फ हैरान ऐसे ही होता है। हैरान स्टार कहे जाने वाले टुनटुन यादव डिम्पल यादव के ऊपर और कहीं ना कहीं माही मनीषा के ऊपर गाना ऐसे गाया जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि राजपूत परिवार भी इस गाने को गाया। देखिए ये तो है क्या कि डिम्पल सिंपल चाहे कोई जो हो, खाली राजपूत परिवार से है, हर समाज की बेटी का नाम है। तो अब ये जो चीज है बेसिकली वो लोग ही लिया इस चीज को, सबसे पहले तो गाना गलत है, अब उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा पब्लिसिटी पाने की कोशिश किया, टीआरपी पाने की कोशिश किया, टुनटुन उधर से मौगहिया जानवर जो है वो लोग पब्लिसिटी पाने की कोशिश किया, ये लोग अपना आपस में कर रहा था, इसमें खेसारी जी की कोई गलती तो नहीं थी। कहीं ना कहीं मौगहिया जवान को आप लोग भी सपोर्ट कर रहे थे कि मौगहिया जवान भोजपुरी की अश्लीलता पे आवाज उठाता था, हम कहां सपोर्ट कर रहे हैं, कभी नहीं किए हैं, अभी नहीं किए हैं, क्या शुरू से जान रहे थे कि ऐसा करेगा उसको, हम शुरू से जान रहे थे ऐसा करेगा ये। हम तो तमाम कलाकारों को हम समझाए थे कि भाई जो तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो गलत कर रहे हो, गलत आदमी है। हम भाई लालू प्रसाद यादव जी के कुल खानदान है ना, हम जानते हैं, वाइब्रेशन पकड़ लेंगे कि क्या होने वाला है, अवलोकन से पता लग जाता है। हाँ पता कर लेंगे, चेहरा हटा दीजिए ना उसका, आवाज से पता कर लेंगे क्या किस तरफ जा सकता है। तो हम इस चीज को महसूस कर चुके थे, हमने तमाम कलाकारों को मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं ऐसे ऐसे आदमी को सपोर्ट करके। चलिए लेकिन है क्या कि ये लोग को सोचना चाहिए, खास करके जो टुनटुन है या खेसारी लाल यादव जी हैं, ये लोग को सोचना चाहिए कि आप समाज के बारे में सोचिए, अपने बारे में सिर्फ मत सोचिए, और अपने बारे में सिर्फ सोचिएगा तो यही दिन आपको दिखाई देता रहेगा। समाज के बारे में सोचिएगा तो संतोष रुने यादव की तरह दहाड़ते रहिएगा, क्योंकि समाज हमारा कमजोर नहीं है, समाज हमारा मजबूत है, बस समाज पे आप विश्वास कीजिए।